हाँ ये तो सही है, मतलब डी गलत क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब ए और डी, मतलब ए सीम टू बी मोर अप्रोप्रिएट देन डी, ए भी दैट होता है। या मोस्ट अप्रोप्रिएट, हाँ सॉरी सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2004। क्या हुआ? टू 2005 एन इंक्रीज वो स्क्रीन कभी कभी छोटी हो जा रही है, वो दिख नहीं रहा। एन इंक्रीज ऑफ बिलो 10% ओवर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन रुपी टर्म्स इन द फाइनेंशियल 2003-04 वॉज रिपोर्टेड। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ इंडिया शेयर इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्रॉस 2% इन 2005। फैक्चुअल है का? एक्चुअल जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट हैज शोन एन एप्रिशिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिजॉर्टेड टू डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन में हम रुपी की वैल्यू को वो करते हैं, करेंसी करेंसी पर उससे क्या होता है कि मेरे ख्याल से जब हम वैल्यू डिवैल्यूएशन कर देते हैं करेंसी का तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है अपने कंट्री से, बट जो इंपोर्ट करने जाते हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। हाँ मतलब जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पे डिपेंड रहता है, मतलब जिसका एक्सपोर्ट सरप्लस में है बैलेंस में देखा जाए तो उनके लिए वो बहुत फायदेमंद रहता है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हैज इनॉर्मस ग्रोथ सिंस 1991 एज इंडिया ब्रॉट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एलपीजी एंड बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। एंड स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। अमंग द एग्रीकल्चरल एक्स कमोडिटीज इंपोर्टेड बाई इंडिया, मेरा वो ना चला जाता है बीच में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स।
स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल्स. अगर इसको वैसे कंपेयर करें अभी के रेस्पेक्ट में, तो आई थिंक इंपोर्ट में तो वेजिटेबल ऑयल्स ही सबसे ज़्यादा है. मतलब पल्सेस और वेजिटेबल ऑयल्स में थोड़ा कंफ्यूजन है कि अभी भी इंडिया ऑलमोस्ट ये ही ज़्यादा कर रहा है, बट आई थिंक वेजिटेबल ऑयल शायद इसके ऊपर होगा. मैं देख लेता हूँ. क्वेश्चन 9, 9th का बी है. इम्पोर्ट ऑफ फ्रेश फूड इज अमंग द हाइएस्ट इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 years. अभी का आइडिया कल हमने सर्वे में क्या आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड पढ़ा था क्या? दोनों पढ़ा था ना, एक्सपोर्ट भी पढ़ा था, इंपोर्ट भी पढ़ा था. उसमें सबसे ज्यादा क्या था मैं तो भूल भी गया, मैंने रिवाइज ही नहीं किया वो कल वाला. पल्सेस कल और एक्सपोर्ट में सबसे वेजिटेबल ऑयल हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे. हेलो. करते थे. और हाँ मतलब करते हैं अभी भी. मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं पल्सेस. नहीं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं पल्सेस एंड वेजिटेबल ऑयल. सॉरी. इम्पोर्ट काफी करते हैं, मतलब प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है बट स्टिल हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है. अरे कल हमने जो इकोनॉमिक सर्वे देखा था ना, उसके अंदर अपन ने प्रोडक्ट्स क्या क्या देखे थे. एक्सपोर्ट में टॉप 3 प्रोडक्ट था पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स, देन फार्मास्यूटिकल्स एंड देन पर्ल्स. ठीक है, पर्ल्स और वो जो ज्वेलरी वाला जो आइटम्स थे वो सब थे, प्रेशियस स्टोन. ठीक है, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन, ये 3 ऑर्डर में थे. पहला था पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट, दूसरा था आपका फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, और तीसरा था पर्ल्स एंड प्रेशियस. और इम्पोर्ट्स के अंदर अगेन पेट्रोलियम एंड ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंड देन उसके बाद क्या था इम्पोर्ट का याद आ रहेगा? एक बार देख लेते हैं. ठीक है, ये तो आई थिंक एक्सपोर्ट हो गया. ओके, तो इंपोर्ट में देख लो, पेट्रोलियम क्रूड, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड देन गोल्ड, एंड देन टेलीकॉम टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो ये हाईएस्ट शेयर है हमारे इंपोर्ट कमोडिटीज में. तो अगर पेट्रोल को और पेट्रोल प्रोडक्ट्स कंबाइन कर लो तो उनका अच्छा खासा वेटेज हो जाता है. ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ अ वेटेज जो है वो पेट्रोल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स का हो जाता है. और इस बार थोड़ा सा पेट्रोलियम कम हो गया पिछली बार से बिकॉज ऑफ द कोविड-19. तो हमने देखा था इंडिया में जो ऑयल की डिमांड है ना वो काफी डिक्रीज हो गया. करेक्ट. आई थिंक इसको एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे अभी क्या लेटेस्ट स्टैट है. अभी तो अपने को शायद मिलेगा अभी, तो एक बार देख लेना कि एग्रीकल्चर बेस्ड कमोडिटीज में इंडिया का हाईएस्ट इम्पोर्ट क्या है. सर्वे में तो एग्रीकल्चरल के हिसाब से अलग से नहीं दिया हुआ था. नहीं, उसमें अलग से नहीं दिया था, वो थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि तो अभी ऑयल का तो बात चल रहा है. मैं देख लेता हूँ ना. ठीक है, और कल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन सी कमिटीज पढ़ी है याद है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कमेटी. इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बीके चतुर्वेदी थी. जो ऑयल से ऑयल रिफॉर्म से रिलेटेड थी, से अच्छा हाँ, प्राइस रिफॉर्म्स इन ऑयल सेक्टर या, रिलेटेड. और एक वो दीपक पारेख कमेटी थी 2014 की, हाँ और एक थी वो बाबा कल्याणी कमेटी, वो SEZ से रिलेटेड. देख लो, द मेन ड्राइव एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 7%. एक्सपोर्ट ऑफ मेजर कमोडिटीज देख लो, सबसे हाईएस्ट शेयर किसका है? मराइन प्रोडक्ट्स का. ठीक है, आई थिंक ये दिमाग में आएगा नहीं, अपन जब भी एग्री एक्सपोर्ट देख के चलते हैं ना तो शायद अपने दिमाग में राइस या व्हीट रहेगा. तो हाईएस्ट शेयर उसके अंदर अपना
मराइन प्रोडक्ट्स का है, देन उसके बाद राइस है अदर देन बासमती, फिर बासमती राइस की अलग कैटेगरी है, देन स्पाइसेस, देन बफेलो मीट। ठीक है, आई थिंक वो चैप्टर पढ़ रहे थे हम अनिल स्वरूप जी वाली बुक का, उसके अंदर भी वो अपेडा के अंदर वो बात करते हैं कि बफेलो मीट जो है इंडिया का तरफ से काफ़ी हाई है, राइट राइट बट उसके आई थिंक कॉम्पिटिशन की वजह से हम आपस में एक दूसरे को कर रहे थे। ठीक है, इम्पोर्ट्स में देख लो हाइएस्ट है वेजिटेबल ऑयल। तो वो जो अभी क्वेश्चन था आई थिंक वो तो काफी पुराना होगा, तो वो थोड़ा डेटा स्क्यूड है। अभी का देख लो, वेजिटेबल ऑयल, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, कैश्यू शुगर। तो ये ऑर्डर मैं एक बार फोटो ले लेता हूँ। हाईएस्ट 3 देखने तक ही ठीक है ना, मतलब लोएस्ट तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आई सपोज। हाँ नहीं, लोएस्ट का तो कोई एंड ही नहीं है ना, फिर तो बहुत सारी चीजें जिनका डेटा ही नहीं होगा अपने पास। ग्रुप या राइट 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 में डाल दिया मैंने, आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो अभी अपना इसके अंदर क्या है, सबसे हाईएस्ट है वेजिटेबल ऑयल, देन फ्रेश फ्रूट्स, एंड देन पल्सेस, एंड देन स्पाइसेस। ठीक है, तो ये अपना सीक्वेंस रहे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। इम्पोर्ट्स में स्पाइसेस चौथे पे है और एक्सपोर्ट्स में तीसरे पे। ओके, विच ऑफ द फॉल। एक सेकंड, फिर वो इम्पोर्ट वो भी डाल देता हूँ ना, एक्सपोर्ट वाला भी इमेज। हाँ, मरीन, फिर राइस, फिर स्पाइस और फिर बफेलो मीट। टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इम्पोर्ट कवर समटाइम्स इवन सीन इन द न्यूज। द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू द GDP ऑफ अ कंट्री। इट्स द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। इट इज द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड दैट ऑफ इम्पोर्ट्स बिटवीन टू कंट्रीज। एंड इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स डैट कुड बी पेड बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स। रिगार्डिंग ये तो हमने डिस्कस भी किया है ना। कब किया था मुझे याद ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग बताओ। वितिका गजानन, केसी, आई मस्ट हैव ज़ोन्ड आउट। ऐसे कैसे जगाना पड़ेगा। कहाँ पढ़ा था? इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा था। हाँ कई बार अपने इसमें भी डिस्कस किया है। इकोनॉमिक्स में से पता नहीं, अभी नहीं। फोर्थ ऑप्शन दिखाओ ना संजय प्लीज। संजय हाँ वो तो ना, इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स दैट कुड बी पेड फॉर बाय अ कंट्री इंटरनेशनल। एक्चुअली मैं आंसर जो है ना वो डी डी ही है इसका आंसर। वो हमने इंपोर्ट कवर को मतलब इस सेंस में पढ़ा था कि हमारे पास इंटरनेशनल रिजर्व इतना हो कि हम जो हमारा इम्पोर्ट है उसका बिल पे कर सके, उस सेंस में पढ़ा था। तो आई थिंक शायद हमने ये डिस्कस किया था कि अभी इंडिया का पास इतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व हो गया कि आने वाले अगले 18 महीने तक अपना इम्पोर्ट बिल पे कर सकता है, इस सेंस में शायद हमने इसको डिस्कस किया था। ओके, 10th आंसर डी है। तो इम्पोर्ट कवर मेजर्स द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट That can be covered with a foreign exchange reserve available with a central bank. ठीक है, 8 to 10 months of import cover is essential for currency stability. ये भी इसमें चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी इंडिया का पैंडमिक के टाइम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पे चला गया था, इट क्रॉस द $500 बिलियन मार्क। तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये चीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Despite having large reserves of coal, why does India import millions of tons of coal? It is a policy of India to save its own coal reserves for future and import it from other countries for present use. Most of the power plants in India are coal-based and they are not able to get sufficient supplies of coal from within the country.
और स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल विच हैज टू बी इम्पोर्टेड. फेस वैल्यू पे तो फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट एकदम भी बकवास लग रहा है. आई थिंक सेकंड और थर्ड जो है वो थोड़ा लेजिबल लग रहा है. एलिमिनेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से. करेक्ट. तो 11 का बी होना है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एज इंडिया डज नॉट हैव एनी सच पॉलिसी टू हैव इट्स रिजर्व फॉर फ्यूचर. स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट. As majority of electricity produced in India is from thermal power plant. कोई बता सकता है कितना electricity percentage wise में produce कर रहे हैं thermal से हम लोग? Percentage of total electricity generation. बता दे तू. ऑलमोस्ट 54% के आसपास हम लोग जो है वो इससे ही थर्मल पावर प्लांट से ही क्रिएट कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे. ऐसा ये क्वेश्चन 2018 में आया था ना जिसमें हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था कि इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल. उस स्टेटमेंट को अगर एक्सक्लूड कर देते तो आंसर निकल पाता. आई थिंक थोड़ा डायग्राम पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा. नहीं दिख रहा. So basically the huge amount of coal inputs which cannot be supplied from Indian resources and also the steel plants require huge amount of coking coal which we import from Australia. Alright, वापस आते हैं. Important coal reserves कहाँ हैं इंडिया में वैसे? एक तो है चंद्रपुर रीजन मतलब विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा आता है छत्तीसगढ़ एरिया में आता है एंड थोड़ा बहुत ओडिशा में भी कवर होता है. इट इज लाइक बाउंड्री पार्ट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़. और चार कैटेगरी ऑफ कोल होता है ना वो बता सकते हो क्या क्या कैटेगरी है बेस्ड ऑन फिर इट है बिटुमिनस है लिग्नाइट है और एंथ्रेसाइट है शायद से. और क्वालिटी के ऑर्डर में पीट सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है शायद से. सबसे लोएस्ट क्वालिटी पीट है. इंडिया में ज्यादातर क्वांटिटी में पीट ही मिलता है. आई थिंक अपने इंडिया में वो लिग्नाइट और बिटुमिनस की रेंज में हम लोग. और एंथ्रेसाइट जो है जो हाईएस्ट अमाउंट है वो मतलब जो हाईएस्ट क्वालिटी का है वो चीज कम है इंडिया के अंदर. गोंडवाना कोल मेक्स अप 98% ऑफ द टोटल रिजर्व एंड 99% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन. सतपुरा डिग्रेडेशन हैज एक्सपोज्ड कोल बेयरिंग गोंडवाना स्ट्राटा. आई थिंक इतना ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए. Anthracite is generally not found in Gondwana coal field. The Gondwana coal is free from moisture but contains sulfur and phosphorus. So, ye pollutant zyada hai uske andar. First coal mine was discovered at Raiganj in West Bengal. Coal industry was nationalized in 1973. India is now the largest coal producer in the world after China and USA. So, ye thoda ek important information apne liye yaad rakhne ko. Coal industry employs provides employment to nearly 7 lakh people. Indian coal fields exclusively found in peninsular part of plateau of India. So Gondwana in Chhattisgarh ho gaya. Yahan pe aapka Korba coal field hai, Birampur bhi coal field hai, Hasdev Arand coal field hai, Kirmiri coal field, Lakhanpur coal field, Jhimili, Johila, Sonhat, Sattapani, Ramkota. तो ये सारे नाम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है. तो आई थिंक कोरबा काफी फेमस है उधर. बाकी तो आई थिंक छोटे मोटे हैं बट है ठीक है. देन झारखंड की बारी आती है. झारखंड में जयंती, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, औरंगा, पुतूर, देलतनगंज, देवगढ़, राजमहल एंड देन ओडिशा. डाल्टनगंज पढ़ सकते हैं. हाँ करेक्ट.
डालगंज पड़ रहा है। देन यहाँ पे उड़ीसा में थलचेर, रामपुर, हिमगिरी कोलफील्ड, इब रिवर कोलफील्ड। आई थिंक थलचेर हमने डिस्कस भी किया था, ये कोलफील्ड है, यहाँ पे एक कोल गैसिफिकेशन प्लांट बनाए यहाँ पे थलचेर पे। ऑलराइट, देन ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंडिया से इंपोर्ट ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आई थिंक ये तो डेटा बेस्ड है, काम का नहीं है। हाँ सही बोल फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई मैक्सिमम ऑफ आवर इंपोर्टेड कमोडिटी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। Which one of the following regions of the world supply the maximum of our imported commodity in terms of rupee value? Africa, America, Asia, Oceania, Europe. इसी के लिए वेजिटेबल ऑयल मैक्सिमम कहाँ से आता है? अरे सर वेजिटेबल ऑयल थोड़ी इंपोर्ट करता है इंडिया। नहीं, लार्जेस्ट वो पूछ रहा था ना, तो मुझे लगा कि जहां से मेजरली हम अभी हमने इम्पोर्ट भी देखे इकोनॉमिक सर्वे में, क्या उसमें एग्रीकल्चर कमोडिटी टॉप 3 में था? नहीं था ना। राइट, तो देखो इंडिया का हाईएस्ट इंपोर्ट क्या होता है, एक तो होता है ऑयल, और ऑयल मैक्सिमम हमें जो गल्फ रीजन है वहीं से ही आता है। एंड दूसरा हमारा हाईएस्ट, हमको हाईएस्ट इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? हम करते हैं चाइना से। ठीक है, हमने देखा भी था ऑलमोस्ट मोर देन 50 to 60 बिलियन $ का हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है चाइना के साथ। आई थिंक उस लॉजिक से देखा जाए तो इंडिया हाईएस्ट जो है वो एशिया और ओशनिया जो रीजन है वहीं से ही इम्पोर्ट करता है। और उसमें जो आपने वो बोला ना वेजिटेबल ऑयल, वो भी मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। ओशिनिया मतलब कौन सा रीजन पड़ता है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 था ये, एंड 13 का डी आंसर है। इंपोर्ट्स फ्रॉम यूरोप एवरेज 195 बिलियन $ until 2019, until an all-time high of 605 INR billion in 2019. Hence, option D is correct. As far as country is concerned, India imports highest from China. Oh, Europe, yaar, is answer. I think value ke terms mein, ye Europe higher ho jata hai. Dekh lena. European traders supply 15.9% of import purchased by India, while 8.8% were from North America. ये क्या रहा है यार, यहाँ पे तो चाइना दे रहा है, फिर चाइना क्या एशिया ही दे रहा है। PDF 2019 का है क्या? हाँ PDF में तो 2019 तक का ही है। वो इन टर्म्स ऑफ रुपीस ले रहा है ना? हाँ वो इन टर्म्स ऑफ रुपी ले रहा है, बट यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है इन टर्म्स बाय वैल्यू, तो एशियन कंट्री से ले रहा है आई थिंक। हाँ और आई थिंक लॉजिक भी नहीं बन रहा है क्योंकि इतना नहीं ट्रेड करते हम यूरोप से। अगर हम टॉप 3 इम्पोर्टर्स देखें इंडिया के, तो पहला चाइना है, दूसरा आई थिंक इराक है, और तीसरा शायद यूएई है। तो टॉप 3 के अंदर भी कोई मतलब यूरोपियन कंट्री नहीं आ रही, तो आई थिंक डजंट मेक एनी सेंस के वो वहाँ पे।
गलत दिया होगा फिर। हाँ गलत दिया है, तो मतलब चेक करने पे भी गलत आ रहा है, बाकी एक बार कोई रेफर कर लेना, ठीक है, तो अपने पास और थोड़ा अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट हो जाए, तो इसका आंसर जो है अपने हिसाब से एशियन ओशिनिया हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। द न्यू एग्जिम पॉलिसी इज लिबरल मार्केट ओरिएंटेड एंड फेवर्स ग्लोबल ट्रेड और गैट हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। स्टेटमेंट्स तो ठीक है पर रीजन तो उसका इंडिया रिलेटेड होगा ना, अगर गैट डायरेक्ट रीजन था क्या? हाँ ठीक तो दोनों है। तो नीति के अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। अरे सॉरी, मैं बोल रहा था, मेरा माइक ऑफ था। अच्छा, बोल। हाँ, जो मेरे ख्याल से देखो, गैट जो था वो तो पहले आया था, काफी पहले, 48 समथिंग या 50 के आसपास आया था वो गैट तो। और जो WTO आया वो 1995 में आया है। आई थिंक एज सच लिबरलाइजेशन में तो हाथ नहीं होना चाहिए गैट का या WTO का, दोनों ही केसेस में। आर मेरे को फॉल्स मतलब आर गलत मतलब इस सिचुएशन में गलत लग रहा है कि गैट का नहीं रोल था। आई थिंक हमारा BOP क्राइसिस हुआ था ना, उसके बाद अपने पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का वो लग गया था अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन, IMF की तरफ से, उसके रिफॉर्म को। आई थिंक ए ट्रू लग रहा है और आर फॉल्स लग रहा है। गैट डिसॉल्व कब हुआ था, किसी को पता है क्या? 1995 में हुआ था ना, उसकी जगह फिर WTO बन गया था। तो फिर जो इसके जो नीति बनी है वैल्यूज फिर है वो तो वो इम्प्लाई हो तो जाएगा। वैल्यूज तो हम अभी भी मानते ही है ना, वो जो अग्रीमेंट है वो तो अभी भी कंट्रीज तो मांगती है ना इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो तो कैरी फॉरवर्ड हो ही गए हैं। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं, इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इज बी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअल ट्रू एंड आर सॉरी बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एज बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंडियाज न्यू एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड प्रोसीजर 1520 एग्जिम पॉलिसी और द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश्ड बाय द DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन मैटर्स रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। DGFT इज द मेन गवर्निंग बॉडी रिलेटेड टू द एग्जिम पॉलिसी। द गैट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन मेनी कंट्रीज हुज ओवरऑल पर्पज वॉज टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर बैरियर्स एंड कोटा। ठीक है, तो वो तो हम आइडिया लगा ही सकते हैं, गैट जो था प्रीकर्सर था WTO का, तो वही सेम चीज जो WTO में, वही सेम चीज इसमें भी थी बट थोड़ा लिमिटेड सेंस में था ये, तो ये WTO आया बाद, राइट? तो इसके अंदर आई थिंक थोड़ा ये कंफ्यूजन ये हो गया था कि अपने को लग रहा था गैट इंडिया के सेंस में बोल रहा, बट आई थिंक ये शायद ओवरऑल सेंस में बोल रहा था। तो ठीक है, राइट। तो रीजन सही है और इंडिया का ये भी सही है, इंडिया का जो है फेवर करेगा ये ग्लोबल ट्रेड, सिंपल, राइट? हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है। इंडिया हैज अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड विद US, जापान, जर्मनी, UAE। यूएस होगा क्या? जापान भी हो सकता है। US है ना हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्टर, तो आई थिंक एज US ही है। हाँ कल मैंने चेक तो किया था पर वो सिर्फ यूएस इंडिया का ही था, तो आई डोंट नो मच अबाउट अदर कंट्रीज, क्योंकि जापान के साथ भी पता नहीं, यूएस ही होगा मेरे ख्याल से। हाईएस्ट हमारे लिए एक्सपोर्टिंग का, जिसको हम एक्सपोर्ट करें वो US ही है। आई थिंक बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों में शायद वही है, जितना
देख रहे हैं क्वेश्चन तीन, तो आंसर इज जापान है, इंडिया इज करेक्टली। नहीं, आंसर में यूएसए लिखा है पर उन्होंने दिया आंसर बी है यूएसए। अच्छा एक्सप्लेनेशन में यूएसए मेंशन है, ठीक है। इंडिया इज करेंटली यूएसए'स नाइन्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद 87.9 बिलियन इन टोटल गुड्स ट्रेड ड्यूरिंग 2018। सो गुड्स एक्सपोर्ट टोटल 33.5 बिलियन, गुड्स इंपोर्ट टोटल 54.3 बिलियन। The US trade deficit with India is $20 billion in 2018. अभी भी मतलब ट्रेड सरप्लस जो है वो इंडिया का यूएस के साथ अभी भी चल रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था। बाकी वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा है, आई थिंक वॉल्यूम में उसने मेंशन नहीं किया उसको, तो इसने वैल्यू के टर्म्स में मेंशन कर दिया। ठीक है, राइट, नेक्स्ट। दिस इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। दिनार, न्यू दिनार इज द करेंसी ऑफ, तो बहुत पुराना क्वेश्चन होगा फिर, चलो फिर भी देख लेते हैं क्या होता है दिनार का। यूएई, हाँ करेक्ट, गल्फ कंट्रीज में चलता है दिनार। तीन, तीन का ए है सूडान, आई थिंक यहाँ पे भी इसने वही गलत कर दिया कि करेंसी ऑफ यूएई दिनार, ऑप्शन गलत मेंशन करता है। हाँ पता नहीं, सबने गलती कर रखी है। यूगोस्लाव में, यूगोस्लाव, यूगोस्लाव ये तो अब कंट्री नहीं है ना, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी पता ही होगा, द करेंसी ऑफ प्रपोज यूरोपियन मॉनिटरी यूनियन विल बी, यूरो ही होगा, करेक्ट, यूरो। तब भी है गवर्नमेंट कैन टेक, रिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और अबव, सॉरी, विच वन ऑफ द अबव एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। बोल रहे हो मेरे हिसाब से मुझे तो बी लग रहा है, अब फर्स्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं है, समझ नहीं आ रहा हूँ। रिवैल्यूइंग डोमेस्टिक करेंसी का, अगर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस करना है ना, तो उस सेंस में हमने अभी बात किया था शुरू में कि डीवैल्यू करने से चाइना एक्सपोर्ट जरूर फेवरेबल हो जाएंगे, बट हमारे इम्पोर्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, और इंडिया अभी मोस्टली अगर ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड अकाउंट की बात करें इंडिया का या करंट अकाउंट की बात करें, तो वो मोस्टली डेफिसिट में ही चलता है, मतलब घाटे में ही चलता है कि हम इम्पोर्ट ज्यादा करें, तो इस सेंस में हमारे लिए थोड़ा अनफेवरेबल हो जाएगा डीवैल्यू करना करेंसी। चाइना जैसी कंट्री के लिए फेवरेबल है बट इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है डीवैल्यूइंग डोमेस्टिक करेंसी, तो आई थिंक फर्स्ट नहीं होना चाहिए। और सेकंड कर दिया रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, तो वो भी चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने सब्सिडीज रिड्यूस कर दिया तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटेटिव नहीं रहेंगे, तो आई थिंक सेकंड भी इलिमिनेट हो जाएगा, तो सेकंड को और फर्स्ट को इलिमिनेट करते हैं, तो थर्ड ओनली बचा हमारे पास, और थर्ड आई थिंक देख लेते हैं, अडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआई, तो आई थिंक थर्ड ओनली इसमें सही होना चाहिए, बाकी वन और टू तो गलत हैं। हो गया ये क्वेश्चन, इंडिया स्पेसिफिक है क्या मतलब या जनरल है? अरे इंडिया स्पेसिफिक है। ओके फिर गलत डाल दिया क्या, 18 का डी लिखता है यार ये, तो एक्सप्लेनेशन एक बार बता। करंट अकाउंट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट After devaluation of domestic currency, domestic good would become cheaper, which will create additional demand for country's product in the world market, which may increase the exports and decrease the current account deficit. ठीक है, I think उसने वो export के terms में इसको explain किया। Rising capital inflow to FDI and FII may appreciate domestic currency and worsen a currency's account by increasing more imports and reducing exports. FDI and FII represent non-debt liability.
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, राइजिंग कैपिटल इनफ्लो की वजह से हमारे जो डोमेस्टिक करेंसी वो अप्रिशिएट करेगा और एंड वर्सन्स द कंट्रीज करंट अकाउंट बाय इंक्रीजिंग मोर इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट। क्वेश्चन क्या था? तो स्टेटमेंट वन एंड थ्री करेक्ट बता रहे हैं। थर्ड वाला यार इसका सेंस तो मुझको बना नहीं, इसने काफी एक्सट्रापोलेट कर दिया। अगर हम डी वैल्यू करते हैं करेंसी को तो उससे होगा ना एफडीआई इज इक्वल टू मोर ऑफ प्रोडक्शन। नहीं नहीं वो तो वो पॉइंट ठीक है, बट ये क्या लिखता है इसके अंदर? इट वर्सन भी तो कर सकते हैं ना। नहीं वो आपका पॉइंट ठीक है, बट ये यहाँ स्टेटमेंट क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है कि राइजिंग कैपिटल इनफ्लो में अप्रिशिएट डोमेस्टिक करेंसी, सही बात है, एंड वर्सन सर करंट कंट्रीज करंट अकाउंट बाय इंक्रीजिंग मोर इम्पोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट। फिर तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और इंक्रीज हो जाएगा ना, ये तो ये कह रहा है स्टेटमेंट में, तो ये कह रहा है जो आप बोल रहे हो वो बात सही है कि क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास करंट अकाउंट जो है उसके पास अंदर हम ये भी देखते हैं कि कितना पैसा आया है, तो एक तरीके से एफडीआई और एफआईआई जो है वो कंट्री के अंदर आया ही है, तो आई थिंक उसको इंक्लूड करेंगे हम लोग। एक बार क्वेश्चन चेक करो ना प्लीज। मैं मृणाल का सॉल्यूशन पढूं क्या? मृणाल का है मेरे पास क्यूआईक्यूज में, क्या दिया है? ऑप्शन डी दिया है इसका आंसर, जो कि 1 and 3 है, devaluing the domestic currency and adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FII. ठीक है, तो explanation ये दिया है कि current account deficit is excess of exports over imports. After devaluation of domestic currency, domestic goods would become cheaper, which will create additional demand for countries' products in the world markets. ना, मतलब एक्सपोर्ट के लिए जैसे हम कह रहे थे कि फायदे वाला होता है डिवैल्यूइंग, राइट? तो राइजिंग कैपिटल इनफ्लो थ्रू एफडीआई एंड एफआईआई में अप्रिशिएट द डोमेस्टिक करेंसी एंड कैन वर्सन अ कंट्रीज करंट अकाउंट बाय इंक्रीजिंग मोर इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स। तो एफडीआई एंड एफआईआई रिप्रेजेंट नॉन डेट लायबिलिटीज। ये तो कॉपी करा हुआ था, इसने भी सेम चीज लिखी थी, बट आई थिंक वो है ना, आई थिंक हम जो सोच रहे हैं उस लाइन से वो सही है। इन लोगों ने मेरे ख्याल से उस चीज को थोड़ा अलग सेंस में लिख दिया, इन लोगों ने तो ऐसे लिख दिया जैसे वो चीज वर्सन कर देगा हमारा फर्दर करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो आई थिंक जनरल सेंस में लेना था, शायद अपन ने इंडिया के सेंस में ले लिया ना उस चीज को, एक क्वेश्चन को। मैं वही पूछ रहा था ना, जैसे चाइना में तो ये एप्लीकेबल है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिप्रेजेंट अ बेटर पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, व्हेयरएज बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट। तो सही है ना एक्सप्लेनेशन भी? तो मुझे पर अपने नोट्स चेक करने पड़ेंगे। आई थिंक सही लग रहा है, दोनों ही सही लग रहे हैं। बाकी लोग नहीं थॉट गाइडिंग देख लेते हैं फिर। इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का ये है, दोनों सही है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन कंसिस्ट ऑफ विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वेयर बीओटी equal to export of good, balance of trade is export of good minus import of goods. The country's imports are more than the export, then the deficit can be made by invisible remittances like
NRI FDI investment, ठीक है। तो बेसिकली इनविजिबल कंपोनेंट्स के अंदर ये अपने NRI जो रेमिटेंस भेजते हैं और जो FDI इन्वेस्टमेंट आता है ये के अंदर आता है, इनविजिबल्स के अंदर। तो हेंस ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। नंबर 20 विद रेफरेंस टू बीओपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। तो करंट अकाउंट में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो आई थिंक बैलेंस ऑफ ट्रेड तो एक कंस्टिट्यूएंट होता है, अभी हमने देखा। या वन तो होगा ही होगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स क्या होता है? अभी बात कर रहा ना रेमिटेंसेस और एफडीआई। ओके, और एसडीआर ले लिया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ले लिया और फॉरेन एसेट्स ले लिए। फॉरेन एसेट्स ट्रेड में वो आते हैं यूज, मतलब वो तो कंट्री स्पेसिफिक वो होगा ना, वो तो आई थिंक फॉरेन एसेट्स एंड करेंसी भी हो गए उसको भी कहते हैं, तो आई थिंक लेना डालेंगे नहीं डालेंगे। तो तू ऑल ऑफ दिस कह रहा है क्या? नहीं, मैं तो मेरे ख्याल से तो मेरे को तो अभी वन ओनली लग रहा है इसके अंदर। पहला ऑप्शन है क्या है और 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 4। सॉल्यूशन ही देख रहा है, 20 का सी है। मैं तो सी को एलिमिनेट करने का सोच रहा था। 1 and 3 है इसके अंदर, स्पेशल ड्राइंग राइट है। ऑलराइट, ठीक है, देख लेते हैं। मैं भी आज पता नहीं इसने काफी सारे गलत भी दे रखे हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टिपिकली अ ईयर। यार इसने पूरा एक्सप्लेन किया नहीं इसे। मृणाल का भी वही हाल है, सी ही दिया है और उसमें सिर्फ बताया है कि करंट अकाउंट में ये ए वाला कंपोनेंट और थर्ड वाला कंपोनेंट आते हैं। एक्चुअली मृणाल ही देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हो? मृणाल देख रहा हूँ। मृणाल का डिटेल में रहता है यार। अरे नहीं, ये दिशा का जो ये है ना, मृणाल ने डिजाइन किया हुआ 26 years यूपीएससी टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स, ढूंढने में ही टाइम जा रहा है, सीक्वेंस बराबर नहीं है ना। हाँ, वो मे भी आगे पीछे दिया हुआ, आई थिंक एक दो वेबसाइट को और रेफर कर लेता है अपने को, थोड़ा शायद बेटर मिल जाए। मेरे पास जो है कैसा वो फिजिकल बुक है। हाँ अच्छा, ये देखो, हाँ इन्होंने देखो क्या कर रखा है, इन्होंने 1 and 3 अलग अलग करा हुआ है। इन्होंने करा हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड और थर्ड करा हुआ बैलेंस ऑफ इनविजिबल, तो वो चीज सही लग रही है कि हाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल होगा। ऐसा ही तो नहीं कर रखा उसने भी? हाँ, मृणाल में भी वही है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। वही तो मैं कहूँ ना यार, ये कैसे हो सकता है? मैं भी एसडीआर को एक्सक्लूड करने का वही सोच रहा था। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ इसने ना, मतलब सही था, अपने जो दिमाग लगाया था उसके अंदर सही था। बैलेंस ऑफ इनविजिबल और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दो कंपोनेंट इंक्लूडेड होंगे हमारे बीओपी के अंदर, सॉरी करंट अकाउंट के अंदर। राइट, नेक्स्ट पे चल रहे क्वेश्चन नंबर 21। द बीओपी ऑफ अ कंट्री is systematic record of import and export transactions of country in a given period of time, normally a year. Goods exported from a country during a year, ये तो गलत है, import भी होते हैं. Economic transaction between the country of one country to another, capital movements from one country to another. ये ही लग रहा है इसका तो. All imports and exports transaction of a country during a given time. क्योंकि सी में सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोली है। सही बोला, ठीक है, यही लग रहा है ना, यही होगा। बट मेरे को थोड़ा सा उसका वही इनविजिबल्स का लग रहा है, क्योंकि इनविजिबल्स जो होते हैं ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेफिनेशन में आंसर्स नहीं आते, तो मेरे को थोड़ा सा उसका डाउट लग रहा है।
बट फिर बाकी मेरे हिसाब से सी, बाकी में से कोई सही नहीं लग रहा ना, सी लग रहा है ना, बट सी का थोड़ा कंट्री टू अनदर लिखा हुआ है तो इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। आई थिंक अगर गेस लेना हो तो सी के साथ ही जाता मैं तो, ठीक लग रहा है 21 का ये आंसर इसने ये दिया हुआ है। अगले मृणाल भाई का सी है, मृणाल का सही होगा फिर, मृणाल का उसने देखा इसने काफी गलतियां कर रखी है कॉपी करने में भी, वो कहते ना दिमाग से तो वो लगाया नहीं है इसमें बिल्कुल भी, वो पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन शायद अलग होगा। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बीओपी, द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। द करंट अकाउंट अकाउंट्स फॉर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एंड गुड ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, वो जो इनविजिबल देखी थी ना हमने रेमिटेंसेस और वो। Then capital account, this includes record of all international purchases and sale of assets such as money, stocks, bonds, etc. It includes foreign investment and loans. Okay. वाला डायग्राम देखना है क्या? इसमें दिया है क्या गजानन तुम्हारे बुक के अंदर? हाँ एक्सप्लेनेशन दिया है कि डायग्राम तो नहीं है पर एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स आर एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दीज ट्रांजैक्शंस इंक्लूड पेमेंट फॉर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज फाइनेंशियल कैपिटल्स एंड फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन शो इफ अ कंट्री हैज अ डेफिसिट और सरप्लस। मैं वही दिखा रहा हूं सारी कंट्रीज का, इसमें सी वाले में हां मतलब जनरल सेंस में लिया है यहां पे एक्सप्लेनेशन भी कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है एक बार अपन उसका और थोड़ा का चैप्टर और इसका देख लेते पूरा। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें जो वो था टाइम वाला कंस्ट्रेंट वो नहीं है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट में? बैलेंस ऑफ पेमेंट टाइम वाला, अच्छा टाइम वाला कंस्ट्रेंट है ना, तो फिर उस हिसाब से तो ई लेना चाहिए ना। बट वो सिर्फ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, वो तो गुड्स में ट्रांजेक्शन हो गया, वो हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड होता ना, ये अगर ये वर्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड होता ना तो ये चीज सही था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का देख लिया, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट और ब्रॉडर सेंस में हम देखते हैं जहाँ पे वो आप रेमिटेंसेस भी इंक्लूड करते हो FDIs भी इंक्लूड करते हो, तो इस सेंस में हम लोग गलत कह रहे हैं। आई थिंक मृणाल का भी वो यही बता रहा है इसके अंदर। ठीक है डायग्राम नहीं दिखा रखा। एक डायग्राम है ना उसमें थोड़ा सा क्लियरली वो आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड क्या करता है करंट अकाउंट में नेट विजिबल सबसे पहले ट्रेड इन गुड्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ना, एक सेकंड, ये सबको दिख रहा है ना डायग्राम डिटेल में? दिख रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है। तो सबसे पहले ट्रेड एंड गुड्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बीओटी जो हमने बात किया था। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था कि कितना इंडिया ने कंट्री एक्सपोर्ट कितना करती है माइनस इंपोर्ट कितना करती है, तो उससे ट्रेड एंड गुड्स निकल जाता, ठीक है, तो उसको नेट विजिबल कहते हैं। फिर बारी आती है नेट इनविजिबल्स की, तो उसके अंदर आपका फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, यानी सर्विसेज में जो ट्रेड हुआ वो भी नहीं दिखता है, तो वो भी आपको नेट इनविजिबल्स में काउंट ऑन करते हैं। देन नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, ये नॉन फैक्टर बेस्ड ट्रेड इन सर्विस आ जाएगा। देन प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट जिसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, जो मतलब हमने कल रिपोर्ट भी देखी थी ना कि इंडिया को सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेमिटेंस मिलता है, कौन सी रिपोर्ट थी शानू जी? वो माइग्रेशन वाली, क्या नाम था रिपोर्ट का?
वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट था क्या? ग्लोबल तो था नहीं, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट था, और वो IOM करके बॉडी है, वो UN का ही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। हाँ सही कर रहा है आज ये, सही बोल रहा है। देन प्राइवेट ट्रांसफर आल्सो इंक्लूड्स ग्रांट एंड गिफ्ट, देन ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट्स, गिफ्ट, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स एक्सेट्रा। तो ये भी नेट इनविजिबल्स में आते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट के साइड में देख लो, यहाँ पे क्या आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, FII, ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंट, कमर्शियल बोरोइंग, IMF से लोन, NRI डिपॉजिट, रुपी डेट सर्विस एंड अदर फ्लोज, यह आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर। और तो लग रहा ठीक है, यही सेम चीज उसने इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर रखे है। एक बार मैं इसका बोल देता हूँ, ठीक है, तो ये हमने देख लिया सारा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, इकोनॉमिक सर्वे नहीं होगा क्या? हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो FDI वाला शुरू हो जाएगा, तो उसको कल से कर लेते हैं। Which of the following constitute capital account, foreign loans, FDI, private remittance or portfolio investment? ये तो अभी डिस्कस कर लिया, अब ये बता दो। टू नहीं होगा ना? टू तो होगा यार। टू कैसे नहीं होगा, उसमें से तो कैपिटल इनफ्लो होता है ना बहुत सारा। हाँ कैपिटल के लिए तो किया जाता है। अरे भाई तो मैंने तो सबसे मेन को ही निकाल रहे हो। अरे विथिका जी से बाद में बात कर लियो, अभी ये आंसर बता। रेमिटेंसेस प्राइवेट और ये पब्लिक डिफाइंड है क्या, मतलब प्राइवेट और वो डिफाइंड है क्या? हाँ मतलब वो दोनों जो है वो आपके उसके अंदर ही आते हैं, करंट जो हमने देखा ना, करंट अकाउंट, अभी ये डायग्राम देखा था ना, ये देख जो ट्रांसफर पेमेंट वाला पार्ट देखा था ना, वहाँ पे रेमिटेंसेस आ जाते हैं, वो प्राइवेट हो गए या ऑफिशियल हो गए, वो दोनों उसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो आई थिंक देखो अभी हमने प्राइवेट रेमिटेंस को अगर इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे सीधा, तो आई थिंक अपने पास सीधा आंसर आ जाएगा 1, 2, 4। तो आंसर देख लेते हैं, फिर अपन सर्वे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था, आंसर था बी। चलो ठीक है, एक आज पूरे दिन में इसने एक आंसर सही किया, 22 का बी। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेट रिकॉर्ड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट एज कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ फॉरेन लोन्स, FDIs and foreign portfolio investment। ठीक है, हमने कल ही बात किया था कि ये सब FDI से बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल आता है, मतलब वो इंडिया के अंदर कुछ मटेरियल वेल्थ जनरेट करे उसके काम आता है, ठीक है, एसेट्स क्रिएट करे उसके काम आता है, इसलिए ये कैपिटल के अंडर ही आता है। तो दैट्स इट के लिए आज अपना यहाँ पे खत्म करते हैं, और कल अपने को FDI से शुरू करना, ठीक है। तो चलते हैं आज इकोनॉमिक सर्वे की तरफ। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा यार इकोनॉमिक सर्वे? शाश्वत पढ़ेगा बारिश होने की खुशी में। कल का नहीं पढ़ा है, आज का पढ़ लेता हूँ। RBI Indian rupee exchange rate, RBI policy on the exchange rate of the rupee has been allowed it to be determined by market forces with intervention only to maintain orderly market condition by containing excessive volatility in the exchange rate without reference to any predetermined target levels or band। ये हमने पढ़ा था ना volume 1 में कि market पर छोड़ देते
तो आफ्टर डेप्रिशिएटिंग टू इट्स लोएस्ट लेवल ऑफ 76.86 इन अप्रैल रुपीस सब्सिक्वेंटली एप्रिशिएटेड ओइंग टू द एफपीआई फ्लोस टू द डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट एंड द वीकनिंग ऑफ द यूएस डॉलर In the months following the outbreak of the pandemic, India experienced an unprecedented FPI outflows and later the large stimulus by central banks in advanced economy has resulted in heightened capital flows into emerging markets such as India. In both cases, RBI has been largely successful in controlling the volatility in the rupee. तो इसका कहने का यही मतलब है कि जब पैंडेमिक आया तो बेसिकली जो जो एडवांस कंट्री जो के जो कंपनीज थे उन्होंने पैसे उठा के ले लिए थे, फिर जब उनके सेंट्रल बैंक ने उनको सपोर्ट किया देन कैपिटल इनफ्लो एफपीआईज होने लगे इंडिया में, तो आरबीआई सक्सेसफुल हुआ अपने। फिर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। Indian foreign exchange reserves reached all-time high at US$586.1 billion as on January 2021, covering about 18 months of imports. At the end of September 2020, India is the fifth largest foreign exchange reserve holder among countries of the world after China, Japan, Switzerland, Russia. The rise in foreign exchange reserve has hardly been due to the current account surplus, which in turn is It's due to contraction in the imports rather than increase in competitiveness of export. The surplus gives adequate spaces for increased expenditure investment in financial year 2021-22. ECB gradual easing of policy. इसको ही थोड़ा summarize कर दे एक बार फटाफट। हाँ चलो ठीक है। तो अभी foreign जो हमारा exchange reserve है वो all time high है, वो है 586 billion, 18 month को imports को cover करता है और we are the fifth largest foreign exchange reserve हमारे पास है after China, Japan, Switzerland, Russia. So ये कैसे हुआ? Due to current account surplus हुआ हमारा, जो कि कॉन्ट्रैक्शन इन इंपोर्ट हुआ और इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट, तो यही कारण है बस बेसिकली। एंड द सरप्लस गिव एडिक्वेट स्पेस फॉर इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आत्मनिर्भर भारत यही तो बता रहा है ना ये कि हमने ईसीबी ग्रेजुअल ईजिंग ऑफ पॉलिसी। The outsourcing of ECBs as at the end of September 2020 was at US$163.8 billion. Bulk of ECBs was in form of commercial loans and scrutinized borrowings. 91.2% predominantly dominated in US, 77.2% and accessed mainly by non-financial corporations, 74.5%. Drivers of ECB in the Indian context: country-specific factor, real domestic real economic activity, exchange rate, interest rate, inflation, status of domestic corporate bond market, degree of openness in terms of capital account and the regulatory framework, global financial condition including rate of interest, global rate growth, inflation are among all. So as the capital scarce growing economy with large investment need, India has taken following steps to encourage capital inflows. A new and simple ECB was put in place in March 2019 by removing the scope of arbitrage, creating new level playing field for all eligible borrowers and widening base of the borrowers and lenders. Development of financial market in India to enable the external commercial borrowers to hedge their interest and currency risk. In order to address potential system stability risk to another stakeholder arising out of individual corporate borrower vulnerability, the regulatory prescription for incremental provisions and capital requirement has been placed for bank and exposure to firms with unhedged fund foreign currency liability. Progressive rationalization and liberalization of the regulatory governing the end use of ECBs with a view to improve ease of doing business. Refinancing is permitted only if the outstanding maturity of the original borrowing is not reduced
And all in cost of fresh ECBs is lower than all in cost of existing ECBs. Further, only highly rated corporates AAA and Maharashtra Navratna public sector undertaking are permitted to participate in the refinancing of existing ECBs. तो इसका कहने का भैया जी थोड़ा ऊपर जाइए, ये कहना है कि ग्रेजुअल ईजिंग ऑफ पॉलिसी, सो हमारा जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है वो है US 163.8, तो क्या है अब ये बोल रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स बेसिकली, तो आप देख सकते हो डोमेस्टिक रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन कैसा, ये कंट्री स्पेसिफिक है, और ग्लोबल की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ग्लोबल ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ये तीन ही है. तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ए कैपिटल स्कार्स कंट्री, सो इन्होंने बहुत स्टेप्स लिए है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनफ्लोस. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वही पॉइंट में बताया कि बहुत सारे पॉलिसीज टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं, और शायद IBC भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है, और यहाँ पे क्या बोलते हो ए न्यू एंड सिंप्लीफाइड ECBs का लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट लिखा है, मतलब हेज फंड की बात की गई है, और भैया जी थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, और क्या है एड्रेस पोटेंशियल्स, ये वाला, ये थर्ड पॉइंट कोई समझा दो, थर्ड और फोर्थ मेरे को समझ में नहीं आया. इन ऑर्डर टू एड्रेस पोटेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी रिस्क टू अदर स्टेक होल्डर अराइजिंग आउट ऑफ individual corporate borrower vulnerability, the regulatory prescription for incremental provisioning and capital requirements has been in place for banks exposure to firms with unhedged foreign currency liability. So provisioning ka formula accounts mein agar padha ho kisi ne usko pata hoga ki provision basically aapko karna padta hai ki aapko aane wale risk ke hisab se kuch na kuch stock jo hai apne paas rakhna padta bacha ke. कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो उसको देने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए. आप ऐसा नहीं है कि सारा पैसा जितना आ रहा है उतना ही वापस लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ पैसा बचा के रखना पड़ेगा जो कि आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करे. हाँ करेक्ट. तो उस सेंस में इसका आइडिया है. तो वहां पे हमने जो है ये प्रोविजन के जो फैसिलिटीज है उनको मतलब इंक्लूड किया है अब, ताकि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे ऐसी फर्म से जिन्होंने बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी लायबिलिटी जिनके ऊपर है, ठीक है, या अनहेज्ड फॉरेन करेंसी लायबिलिटी जिनके ऊपर है. और फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बोल रहे थे प्रोग्रेसिव रैशनलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन गवर्निंग द एंड यूज ऑफ ECBs एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स विद अ व्यू टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आई थिंक पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के ऊपर कि कितना ही अमाउंट आप बोरो कर सकते हो बाहर से, ठीक है, या फिर मतलब बहुत सारे और रेस्ट्रिक्शन थे, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या क्या रेस्ट्रिक्शन थे. तो आई थिंक उनको रैशनलाइज किया है इन लोगों ने. ऐसा भी होता है, फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी एक कंसेप्ट होता है, आप जितना पैसा लेके आए क्या उसको सीधा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कितना कर सकते हो उस पर भी डिपेंड करता है. जब वापस बाहर लेके जाना है तो कितना कन्वर्ट कर सकते हो उस पर भी, वो भी लिमिटेशन था. इंडिया में क्या फॉलो होता है मतलब कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, या फिर तो पार्शियल दोनों है, पार्शियल नहीं है, दोनों क्या है? एक पार्शियल है आई थिंक, एक फुल है, आप कौन सी क्या है? कैपिटल तो बताओ ना, सोचो कैपिटल तो फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है कैपिटल में, तो आई थिंक हां बस वही बात है, कैपिटल में नहीं है, करंट में है. अच्छा, कैपिटल में कन्वर्टेबिलिटी के लिए कौन सी कमेटी बनी थी कि उसने कहा था कि पूरी होनी चाहिए कैपिटल में? पता नहीं, पता बहुत फेमस है यार, तारापुर कमेटी. अरे अच्छा, तारापुर कमेटी है जिसने कहा था कि कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी पूरी होनी चाहिए ये तो. हाँ, ताकि हमारा मतलब कुछ प्रोज बहुत सारे प्रोज कौन से होते हैं. हाँ, लेकिन वही है कि उन्होंने कहा था कि शायद और इन्वेस्टमेंट होगा और हमारा GDP ये वो लिबरेशन सब कुछ होगा, लेकिन कुछ जानते हैं हाँ, कुछ कौन से भी होंगे. अब नेक्स्ट चलते हैं ना.
initiative taken by government to boost export. तो पहला है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 वाज एक्सटेंडेड फॉर वन ईयर अप टू 31 मार्च 2021 टू लैंड कंटिन्यूटी टू द एग्जिस्टिंग स्कीम्स. ट्रेड फैसिलिटेशन नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट प्रोसीजर्स एज प्रोसीजर्स ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA नेगोशिएटेड एट WTO केम इनटू फोर्स इन 2017. नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन action plan for 2017 to be containing specific activities to further ease out the bottlenecks of to trade was prepared. Regulatory relaxation measures for facilitating trade were taken during COVID-19, which include 24/7 clearance, dedicated single window condonation of delay in filing import declarations, waiver of late fees filing, undertaking instead of bonds. Tisra hai remission of duties and taxes on imported products, RODTEP. Scheme ke antargat duties and taxes levied at center and state and local levels, such as VAT on fuel used for transportation, which are not getting exempted or refunded under any other existing mechanism, will be refunded to exporters to in their ledger account with customs. This credit can be used to pay basic custom duty on imported goods and transfer to other importers. It is a WTO compliant scheme. As earlier, merchandise export from India scheme was observed prohibited as prohibited subsidy to WTO panel. Correct. पहले MEIS था, अब उसको replace करके RODTEP ले गए हैं. तो ये WTO compliant है. एक और अपन ने स्कीम में पढ़ा था ना, ऐसे ही रोड करके कुछ, यही तो थी स्कीम, यही था रोडटैप, यही स्कीम थी, नहीं रोडटैप ही स्कीम थी, यही पढ़ी थी वो गवर्नमेंट पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे हमने रोडटैप पढ़ा था. ठीक है, देन आते हैं सबका फेवरेट पीएलआई स्कीम. हां पढ़ लो, तो हाईजैक करो इसको. थैंक यू. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स with an outlay of 1.46 lakh crore. Scheme aims to give incentive to companies on incremental sales from products manufactured in domestic unit under 10 identified champion sector. ठीक है, तो 10 champion sectors में से वो PLI हमने जो उधर देखा था, तो वो boost करेंगे manufacturing and export. ठीक है, next sectors, कुछ sectors बता सकते हो जहाँ पे PLI scheme implement किया है? टेलीकम्युनिकेशन ना, अरे वाइट गुड्स था इसमें, टेलीकम्युनिकेशन होगा, मोबाइल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में था, वाइट गुड्स में भी था. और सेक्टर बताओ फटाफट. फार्मास्यूटिकल बहुत है भाई, बोलते रहो. हाँ फार्मास्यूटिकल्स भी था, करेक्ट. और एक दो और बताओ. मेडिकल डिवाइसेस उसी में आ जाएगा, फार्मा में. और हाँ, और वाइट गुड वही रेफ्रिजरेटर और फ्रिज है ना, सॉरी एसी. फिर मैं सॉफ्टवेयर में थोड़ी है, मतलब हार्डवेयर होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स में है. और ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रेड रिलेटेड. ठीक है, ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक्स. इंडियाज रैंक हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स पैरामीटर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स फ्रॉम 146 इन 2018 टू 68 इन 2020. तो 68 पे आ गया है, 10 EODB के होते हैं इंडिकेटर्स. इंडिया वॉज रैंक 44 आउट ऑफ 160 कंट्रीज इन 2018 विस rank of 54 in 2014 under logistics performance index of world bank. So logistics 63 tha 68 tha 68 2020 mein hai na, so 63 ka padha tha matlab 63 padha tha yaar, mere ko bhi 63 yaad aa raha hai, par dekh lete hain ye ease of doing business report tha. Oh,
मुबारक हो यार, सही बोल रहा था, ठीक रही है, गलत दे रखा है ना। ओके अब ये इकोनॉमिक सर्वे ने गलत दिया या विजन वालों ने गलत दिया वो डाउट की बात है। सस्ते इंटर्न्स रखे होंगे इन्होंने। ठीक है, तो ईओडीबी के 10 इंडिकेटर्स किसको याद है? एक तो कंस्ट्रक्शन परमिट है, कंस्ट्रक्शन परमिट है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, आईबीसी है मतलब क्लोजर कितना करना इजी है उस पे है, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस कितना इजी है, कंस्ट्रक्शन परमिट मिलना कितना इजी है, एनवायरनमेंट क्लीयरेंस भी होता है क्या इसमें, टैक्स पेमेंट में भी आता है ना कुछ? हाँ वो करेक्ट, टैक्स पेमेंट भी है और एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस वो कंस्ट्रक्शन परमिट में ही आ जाता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इज एन एडवांस स्टेज ऑफ रोल आउट विद अ विजन टू डेवलप अ मॉडर्न एफिशिएंट एंड रेजिलिएंट लॉजिस्टिक्स सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसमें एक टर्म होती है मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट, वो क्या होता है? मल्टी मतलब हर तरह का, मतलब रेल एयरवे सब कुछ इन्वॉल्व हो, जैसे जो बोल रही है अभी कि हमारा पहुंचा नहीं है वहां कोने में म्यांमार के पास, सारा रेलवे एयरवे रोडवे सब इंक्लूड होगा। सम एक जापानीज के साथ हमने एक्विजिशन करके, क्या था उसका नाम, एक मल्टी मॉडल पार्क बनाया हम लोग, कहाँ बनाया है पहली बार शायद आसाम, हाँ सही कह रही हूँ। हाँ ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर था वो, शिपिंग? नहीं नहीं ये कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होगा या फिर देख लेने, शिपिंग था नहीं ये, मैंने ध्यान दिया था मतलब मुझे देख के यही लगा था, मल्टी मॉडल प्लास्टिक पार्क था शायद, मालूम शायद, हाँ तो वो शिपिंग था नहीं वो। ठीक है, एक काम करो, देख के सारा बता दियो। ठीक है, आगे पढ़ दूं? हाँ पढ़ो। Some process related reforms towards improving logistics efficiency. ठीक है, तो GST revision in axle load norms for heavy vehicles leading to better carrying capacity. वही ना टायर से जो होता है एक्सल। पेपरलेस exempt rate through ई संचित एक ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल, फेसलेस असेसमेंट बाय तुरंत कस्टम्स, फेसलेस असेसमेंट पढ़ा था, फेसलेस असेसमेंट वो तीन जो अपन ने नहीं पढ़े थे पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे में, इनकम टैक्स के रिलेटेड था। हाँ हाँ वो नेक्स्ट टैक्स पर जो था वही था ना, एक सिटीजन चार्टर था, फेसलेस असेसमेंट था और एक फेसलेस ए से कुछ था ना, आई थिंक वो था शायद हेडक्वार्टर टाइप था। एक वो कौन सी थी, विवाद से विश्वास स्कीम थी ना कोई, उसमें क्या था, उसमें कि टैक्स पेयर जो ब्लैक मनी है तो खुद से आकर वो एग्जैक्टली ब्लैक मनी था, जो डिस्प्यूट था ना कि भाई हमारा टैक्स इतना नहीं बनता और इनकम टैक्स का नोटिस आ रखा था, तो वो जो डिस्प्यूट कोर्ट्स में चल रहा था उसको बोला कि भैया तुम पे कर दो, कि अभी तुम पे कोई पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर पैसा तुम्हारे खिलाफ आया ना तो फिर पेनल्टी लगेगी और वो देनी पड़ेगी, तो तुम्हारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। अभी दोनों पार्टी शांति से मिलके पेमेंट कर देता है जितना बोला था, अदरवाइज पेनल्टी से लगा के देना पड़ेगा ये। और प्लास्टिक पार्क डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल के अंदर आते हैं। स्कैनर्स एट मेजर पोर्ट्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, टैगिंग ऑफ ऑल एग्जिम कंटेनर्स, मैंडेटरी इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन सिस्टम, फास्ट है। ठीक है, तो ये सब इम्प्रूव करने के लिए है लॉजिस्टिक। इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, भारतमाला परियोजना, सागरमाला, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव, लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल,
for real-time monitoring of operational performance and asset utilization of various logistic infrastructure such as port, airports, etc. ठीक है. अच्छा एक मिनट रुको, ये dedicated flight code दो होते हैं ना, eastern और western, तो eastern western कहाँ से कहाँ तक ये बताइए. ये चरखी दादरी से वो मुंबई तक का है क्या? हाँ, ये तो आसान वाला है. अच्छा बताओ. I think दूसरा तो वो पंजाब से है ना. हाँ पंजाब से दनकन कुछ था है, वेस्ट बंगाल में शायद. हाँ दनकन. हाँ अनु बता यार कहाँ है वेस्ट बंगाल में. बताओ रसूल सर. बताओ. मैं नींद में क्या बोल रहे हो तुम लोग, किस बारे में बात हो रही है. हाँ दानकुनी है वेस्ट बंगाल में, सनेवाल लुधियाना इन पंजाब एंड एंड्स एट दानकुनी इन वेस्ट बंगाल. और दूसरा वाला है दादरी इन उत्तर प्रदेश टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन मुंबई. क्या फ्रेट कॉरिडोर्स. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल और अच्छा ये तो हो गया था. नेक्स्ट है इंडिया की लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म इज बीइंग डेवलप्ड फॉर इंटीग्रेटिंग ऑल लॉजिस्टिक रिलेटेड डिजिटल पोर्टल सच एज पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय इंडियन रेलवेज एंड वाहन नेशनल व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. ये वाहन वही है ना जो मतलब सारा ऑल इंडिया व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसका. ठीक है. लॉजिस्टिक्स वो अपन क्या बनाते हैं गाड़ी की आरसी या नहीं रजिस्ट्रेशन. हाँ आरसी बुक वगैरह बनाना पड़ता है वो इसी पे ही होता है. करेक्ट इस पे होने लग गया. और वो जो हम लाइसेंस लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी वो शायद इसी पे मिलता है. हाँ आई थिंक उसका वाहन तो सिर्फ उसके लिए ही है, सिर्फ व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए. आई थिंक उसके लिए तो आरटीओ का आई थिंक लोकल लेवल पे सारथी. हाँ सारथी है, सारथी पोर्टल उसी पे से किया था हमने. करेक्ट करेक्ट उसके लिए सारथी पोर्टल है. पहले दोनों से एक ही में थे, पहले दोनों एक ही में थे फिर अभी वाहन को अलग बना दिया. आई थिंक शायद मेरे ख्याल से दोनों शुरू से अलग थे वाहन और ये. एक बार लफड़ा भी हो गया था, पता नहीं बोल रहे थे कि वाहन पे इंटीग्रेट करना जरूरी हो गया है सबके लिए. वो कुछ था ऐसा वाहन कमर्शियल ट्रक का था ना. नहीं नहीं सबके लिए आरसी होती है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसका एक तरीके से डेटाबेस है. बट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो फिजिकली अपन को चला के दिखानी पड़ती है ना. वो तो फिजिकली चला के दिखानी पड़ती है, वो सिर्फ बस एक सिस्टम है. अच्छा, वो एक डेटाबेस है, उस पे एज सच अपना ज्यादा कोई लेना देना है. ठीक है. नेक्स्ट है लॉजिस्टिक सेक्टर एम्प्लॉयज 12 मिलियन वर्कफोर्स टू इम्पार्ट स्किल्स करिकुलम ऑन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इज बीइंग डेवलप्ड at school level and also courses are being introduced under various skill development initiative. So, aise kaun se initiative hai? NEP. ठीक है. Logistic का थोड़ी है कुछ. मतलब वो I think skill India और उससे थोड़ा relate करके बताना रहेगा. बाकी NEP भी हो सकता है कि हम technical courses लेके आएं. जैसे हमने एक national railway university बनाई है. पता है किसी को कहाँ पे? शायद गुजरात है क्या? हाँ सही बात है, मोदी जी के उधर. हाँ भाई हाँ सही बोला बात उधर. ठीक है. इंडियाज एंगेजमेंट विद WTO इस चैप्टर का नाम क्या है, मतलब पर्पस क्या है? यूपी का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कुछ आगे बढ़ो. ट्रेड रिलेटेड है ना सारा. अच्छा ठीक. इन द ऑनगोइंग डिस्कशन ऑन WTO रिफॉर्म द ब्रॉड एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज प्रपोजल इंक्लूड प्रिजर्विंग द कोर वैल्यूज ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम रिजॉल्विंग द इंपास इन द डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम सेफगार्डिंग डेवलपमेंट कंसर्न्स ट्रांसपेरेंसी एंड नोटिफिकेशन. ठीक है.
During the WTO TRIPS Council meeting, India and South Africa jointly proposed waiver from certain provision of TRIPS agreement for the prevention, containment, and treatment of COVID-19 to ensure that the intellectual property rights do not become a barrier in timely and affordable access to medical product and vaccine, etc. ठीक है. India has introduced an online portal artists application for remedies in trade for Indian industry and other stakeholders to submit online petition for different trade remedies like anti-dumping duty, safeguard duty, countervailing duty. तो artists कौन सी ministry के under है? Commerce. अच्छा ये बताओ, एक आर्टिस्ट वो था मिशन था, वो क्या था? आर्थिक मिशन, आर्थिका एम मिशन था, वो रशिया ने लॉन्च किया था और वो आइस कैप के लिए था. ना ना, एक आरती भी था, आर्टिमिस, आर्टिमिस था वो. अच्छा आर्टिमिस, हाँ जो उसमें आया था, पेपर में भी आया वो. तो हाँ, वो थ्री, वो जो सैटेलाइट होंगी और वो मेरे ख्याल से ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए था. ना ना, वो मून के लिए था. आरती, मैंने याद किया था कि आरती का चेहरा चांद की तरह है, तो आरती मून की तरह, ठीक है, तो आरती में सही है पक्का. मतलब वो एक आर्टिका एम है, वो रशियन है, और एक आर्टिमिस जो तुम बता रहे हो, और एक आर्टिमिस जो आई थिंक हमने उसमें भी देखा ना, जो क्वेश्चन क्या आया था, जो 2020 में भी आ रखा था, 19 में था वो शायद क्वेश्चन. क्या था भाई? नहीं याद है. आर्टिमिस की था शायद यार, आर्टिमिस करके एक बार देख लेता. तो आर्टिमिस स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन. हाँ, नासा का आर्टिमिस प्रोग्राम है ये वाला था वो. तो एक्सीलरेशन, रीकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मून्स इंटरैक्शन विद सन. नासा ने कुछ 11 एस्ट्रोनॉट्स के लिए अपकमिंग स्पेस मिशन में इंक्लूड किया है आर्टेमिस. तो इन टीम इंक्लूड्स एन इंडियन अमेरिकन राजा चेरी. एक बार वो मतलब वो देख तो यार, वो पता नहीं, वो मिशन याद नहीं आ रहा, मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ. तो ये ठीक है, ये आर्टेमिस वाला तो ये फोन के लिए था. ठीक है, नेक्स्ट है इश्यूज एट WTO कंसर्निंग इंडिया, इश्यू एट पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी पर्पसेस, इश्यू ऑफ कस्टम ऑन ई कॉमर्स एंड इंडिया स्टैंड ऑफ प्रिजर्विंग पॉलिसी स्पेस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर देयर डिजिटल एडवांसमेंट. ठीक है, फूड सिक्योरिटी है और डेवलपिंग कंट्रीज का जो डिजिटल एडवांसमेंट के लिए है. ठीक है, वे फॉरवर्ड, COVID pandemic impacted external sector differently for different countries. A is kya hai? Advanced economy. Advanced economy suffered larger contraction in export and import. Easing of lockdown saw improving trends in India's mercantile trade, supplemented by capital inflows. B, buildup of foreign exchange reserves. Also comfortable foreign foreign exchange reserves gives a much needed space for enhanced domestic investment. The disruption of global manufacturing value chain due to COVID pandemic presents an opportunity for India to become one of the key nodes in chain. Yeah, Laffer curve shows the relationship between tax rate and the amount of tax revenue collected by a government. It states that if tax rates are increased above a certain level, then tax revenues can actually fall because higher tax rates discourage people from working. Correct. और ये बता रहे हैं ना, पर वक्त की tax evasion भी होता है, तो people idle हो जाते हैं. Correct. Correct. ठीक है, एक बार glance वाला भी पढ़ दो. COVID pandemic has led to sharp decline in global trade, lower commodity prices, and tighter external financing condition with varying implication for different countries. India's export of drug and pharma, software and agriculture and allied products improved. Pharma exports in particular
होल्ड द पोटेंशियल टू बी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया को ये कहा जाता है फार्मेसी. ओवरऑल इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस करंट अकाउंट सरप्लस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ 17 ईयर्स. करेक्ट. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट याद रख लेना. लास्ट 2003 में हुआ था इंडिया को करंट अकाउंट. ठीक है, 2003 में करंट अकाउंट सरप्लस था. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रोज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ $586.1 बिलियन इन जनवरी 2021. आरबीआई इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट इंश्योर्ड financial stability and orderly condition and have been largely successful in controlling the volatility of rupee. Various initiatives under rupee exchange hota hai. Haan, to ye matlab kaise control hota hai apan ka, matlab kaun sa hum log kar kehte hain, ek word nahi hai, managed floating exchange rate. To manage haan bolo. वो एक वो भी तो अकाउंट होता है ना जिसमें फुल कन्वर्टिबिलिटी रहता है. करंट अकाउंट फुल कन्वर्टिबिलिटी होता है, कैपिटल में पार्शियल होता है. ठीक है, अच्छा ओके. आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया क्या? क्या बोल रहे थे आप? अरे आप पढ़िए, आगे पढ़िए. Various initiatives undertaken to promote export like PLI scheme, RoadTech, improvement in logistic infrastructure and digital initiative would go on a long way in strengthening external sector in general and export in particular. Yeah. How are the questions? तो इंडिया पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी के बारे में है. एक्सचेंज रेट इज लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस विद इंटरवेंशन ओनली टू कंटेन एक्सेसिव वोलेटिलिटी. ठीक है, सही है. बाकी लोग जो सो रहे उठ जाओ और बताओ आंसर. ये सही है. अच्छा, इसमें एक्सचेंज रेट की बात करिए, जैसे अपन लोग पढ़े हैं कि दो होते हैं, सबको मालूम है, नियर और रियर होता है. तो नियर और रियर में एक तो थोड़ा बोल दो कोई पॉइंट. तो आइडिया नहीं यार, इसका कोई बता दे. अरे नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, एक रियल एक्सचेंज रेट होता है. सोमा, हाँ. तो नॉमिनल को कैसे, नॉमिनल क्या करते हैं ना, जैसे कि बास्केट होती है अपन के पास, कि अपन लोग 5 कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं. तो जैसे कि यूएस हो गया तो 70 रेट है, तो कितना परसेंटेज ट्रेड करते हैं अपन लोग इंडिया. इंडिया यूएसए समझ लो 50% करता है, चाइना समाज 30% करता है, और बांग्लादेश समाज 30 करता है. तो 50% इंटू क्या एक्सचेंज रेट 70 होता है, और उसके बाद 30% चाइना वाला इंटू जितना भी रेट होगा. तो इसका एवरेज लेते हैं, मतलब कि जो एक बास्केट होता है उसमें देखते हैं. और रियल तो हमें जानते हैं कि इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं बस. ओके. और जहां तक मुझे याद है, मुनाल के एक लेक्चर में ऐसा सुना जैसा लग रहा है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती है वो ज्यादातर उस पर डिपेंड करती है, मार्केट पे छोड़ देती है. बट इन टर्म्स ऑफ इंडिया वो पॉसिबल नहीं है मार्केट पे पूरा छोड़ देना. देख तो रहे, मतलब मार्केट में हमारा पूरा एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हो दिक्कत हो जाती है ना, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन नहीं करना पड़ता है अपन लोग को. अपन चाइना और उसकी तरह नहीं है यूएस के, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है. वो चाहे तो डिवैल्यू कर दे, और यूएस के पास अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है वो मतलब बहुत सारा सब कुछ है उनके पास. अपन का रूपी ही इंटरनेशनलाइज नहीं है, मतलब उस कॉमन बास्केट में आता ही नहीं है. तो अपन के पास कुछ है ही नहीं, बस लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है. तो उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है कि सब कुछ कंट्रोल में रहे. नेक्स्ट, लाइक द इन्फ्लेशन टारगेट बैंड ऑफ एमपीसी, there exists a predetermined target band for exchange rupee management. I think aisa fix to nahi hai na. Okay, next dekh lega. Okay. FPI outflows to advanced economy from Indian market weakens Indian rupee.
हाँ सही है, करेक्ट, ये तो सही है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, इलेवन का ए है, तो टू ओनली करेक्ट बता रहे। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर थ्री है, क्वेश्चन वन है। फोर होना चाहिए ना चैप्टर तो, नहीं चैप्टर तो थ्री है, ये देखो मतलब अलग कंप्लीट नहीं हुआ ना, कल कंप्लीट नहीं हुआ उसी को कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मे बी आई थिंक गलत दे दिया होगा, बस टू ओनली तो आई थिंक ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं पे, और थर्ड तो पक्का सही लग रहा है, अगर आउटफ्लो हो जाता है तो फिर इंडियन करेंसी जो है वो वीकेंड हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू का चेक है, वही है ना? हाँ वही वही लास्ट है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ विच आर इंक्लूडेड इन इनविजिबल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, रेमिटेंसेस, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, पेट्रोलियम इंपोर्ट। कौन बताएगा ये? पेट्रोलियम तो नहीं होगा ना, तो थ्री हटा दो तो वन एंड टू, एक्चुअली टू भी नहीं होगा क्योंकि विजिबल विजिबल, अरे हाँ सॉरी ठीक है, तो आई थिंक वन नहीं हट, वन तो नहीं होगा, सॉरी वन तो होगा, रेमिटेंसेस तो इंक्लूड होते हैं, और थ्री नहीं होगा। हाँ थ्री नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है ए हो जाना चाहिए, वन एंड टू। ठीक है, इनविजिबल आपके रेमिटेंसेस और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट रहेगा क्योंकि सर्विसेज जो होती है वो भी इनविजिबल ही होती है, इसलिए वन एंड टू होना चाहिए। तो क्वेश्चन थर्ड का टू का ए है, सही है, ये वाला सही है। फिर आर्टिस्ट पोर्टल के लिए है, created create a single platform for high end scientific research by scholar and student, provide an interface between NGO and key government ministry, facilitate interest free loan to street vendor affecting by COVID lockdown, provide expedited relief to domestic producers with respect to different trade remedies. padha tha b hoga I think, kya hoga डी लास्ट वन, सी तो स्वानिधि होगा, लास्ट लास्ट वन। ए का क्या होगा? क्रिएट अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च बाय स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, नॉलेज नेटवर्क हो सकता है क्या? बट आई थिंक वो ऐसे अपन लोग पढ़े थे ना, एक वज्र था, ध्रुव था, ये सब चीजें किसमें आती हैं? वज्र में, जिसमें विजिटिंग रिसर्च आते हैं ना वज्र में, तो बाहर वाले एनआरआई सब आते हैं कॉलेज में। कलाम वाला कौन सा? तो वो है आईपी था, कपिला था वो तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, की स्टार्टिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये भी अपन ने देखा था, एपीआई एंड के केएस मटेरियल फार्मास्यूटिकल के लिए है। तो फार्मा के लिए था, ठीक है। ऑलराइट, आगे है क्या? नहीं आगे, यहाँ पे खत्म हो गया ये चैप्टर। कल अपन करेंगे चैप्टर फोर, और इतने पेज बचे, 50 और पेजेस बचे हैं। ठीक है, बात यहीं स्टॉप करते हैं। और भाई लोग एक ना, हाँ बोलो, वो जो आप कहना चाह रहे हो तो बता दो। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ना अपन एक इंडेक्सेस जो है ना उसका एक कोलैबोरेट करके बना ले, क्या बोलते हो? अभी एक मैंने ये बना तो लिया, वैसे बाकी लोगों ने तो डाला नहीं था पिछले वाले के अंदर से रेस्पॉन्स, तो जिन जिनको करना वो बता देना पहले ही, तो उन्हीं उन्हीं को मतलब एक्सेस दे देंगे तो वो कर लेंगे आराम से अपना।
अरे मैंने डाले थे ऐसे इल्जाम मत लगा को नहीं बोल रहा मतलब किसी को बोल नहीं रहा हूँ ऐसे मैं, बट वो बता रहा हूँ कि इसको करना हो तो वो बोल दो, तो ऐसे जबरदस्ती थोपने थोपा भी नहीं, मतलब थोपे भी नाम वो वाली चीज है। तो मतलब ऐसे ही वो सेम आइडिया है, रिपोर्ट बना दिया, पब्लिश किसने किया, पैरामीटर क्या था और यार बंद हो गया। अरे विजय हाँ। भी कुछ कर रहा था ना ऐसा ही कुछ, मैंने स्किप हो गया मेरे से वो, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड था वो ग्रुप पे है। नहीं नहीं पता नहीं, मैंने भी नहीं, कोई कर रहा है क्या उसमें वो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हाँ 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 अब अचानक से अभी याद आया, मैं स्किप हो गया वो। हाँ वो चल रहा है ना, वो बता देना अगर कुछ नोट करना तो मैं कर दूंगा ऐड उसमें। वो विजय सर ने बनाएंगे, विजय है नहीं आज। हाँ सर है नहीं, वो न्यूज़ में ग्रुप में वो है, फॉर्म भर देना। हाँ ठीक है ठीक है। तो मतलब देखो यार ये हेडिंग तुमको दिख रही है ना, तो कोई सजेस्ट करना है तुमको चेंज टेबल में तो बता दो अभी। ये ऑलरेडी रेडीमेड, वो आईएएस पार्लियामेंट करके कुछ देता है ना शायद। हाँ वो देता तो है, बट अब वही है ना, वेट करना पड़ता है, फिर अपडेट आता है तो फिर अपडेट प्रॉपरली हो नहीं पाता, तो उस टेंस में हम लोग बनाने की सोच रहे थे। और थोड़ा सिंप्लीफाइड रहेगा ना, फटाफट पैरामीटर्स पता लग जाएंगे, पब्लिश कौन करता है टेबल की फॉर्म में, उसमें वो पूरा नोट्स के फॉर्म में रहता है, उसकी हेल्प ले सकते हैं, बट खुद करेंगे ना तो याद भी होगा। हाँ सही बोल रहे हैं, याद भी होगा और थोड़ा बहुत वो भी चीज मॉनिटर कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है ये वाली, या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट और आर्टिकल आया था इसके बारे में, तो वही चीज रखा है कि लीड में तो नाम डाल दो अपना और रिपोर्ट के अंदर ये डाल दो, पब्लिश कौन करता है, पैरामीटर्स क्या है, इंडिया का स्टेटस क्या है, रैंकिंग इंप्रूव हुआ कि डिक्रीज हुआ, और कोई और अदर उसके रिलेवेंट पॉइंट है तो वो भी हम इंक्लूड कर देंगे। तो ऐसा हम मतलब एक तो इसका सोच रहे हैं इकोनॉमी के लिए, और एक हम सोच रहे हैं स्कीम का। आई थिंक स्कीम का तो अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया था एक बार कि स्कीम करना है, आई थिंक थोड़ा बता दो, या तो पहले इसका कर लें या फिर पहले स्कीम का कर लें। और एक जैसे अभी ज्योग्राफी का चल रहा है अपना स्टैटिक पोर्शन में, तो ज्योग्राफी में भी रिवर्स का बना सकते हैं, बाकी सब तो बन गया है लगभग, मतलब मेजर रिवर कौन सा है उसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का एक कॉलम, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का एक कॉलम, और जैसे उसके और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं तो कर सकते हैं। हाँ ज्योग्राफी में मतलब वो पूरा रिवर का वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इम्पोर्टेंट उसके ऊपर जो प्लेसेस हैं वो, तो वो क्या है वो सब लिख लेंगे ना, तो फिर और लिखा रहेगा तो फिर याद करने में भी आसानी रहेगी। तो दो चीज मतलब वो तो ज्योग्राफी के लिए सोच रहे हैं, और ये शाम को 5 बजे डिस्कस कर लेंगे ये ज्योग्राफी वाला। 5 बजे आना है आज सुबह आए तो थे। आई थिंक देखो उसमें ऐसा कर देता है, गूगल फॉर्म बना देता है, जिन जिन को उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा वो अलग से कर लेंगे, अदरवाइज तो वही है कंफ्यूजन क्रिएट होगा उसमें, मेरे ख्याल से 15-20 तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हाँ ये करना है वो करना है। तो एक टेबल बना दूंगा मैं और फॉर्म भर के अपन डिसाइड कर लेंगे कि जो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेस दे देंगे, तो उसके हिसाब से काम कर लेंगे। ओके ओके ठीक है ठीक है, तो फिर शुरू करोगे ना, 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दो कल के। कल के ये जो PYQs 4 बजे खत्म होता है ना? नहीं वो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट अभी वो कल ही कर लेंगे, उसमें वो पूरा नया टॉपिक से शुरू होगा FDI से। ठीक है ठीक है, तो फिर देखो अभी मैं एक डॉक्यूमेंट डाल दूंगा, अगर किसी और के पास कोई ऑलरेडी ऐसा डॉक्यूमेंट है ना रिपोर्ट इंडेसिस का, मेरे पास एक ला एक्सेलेंस का था, किसी और के पास कोई और डॉक्यूमेंट हो जो लेटेस्ट हो तो वो डाल सकता है यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड डिवाइड कर लेंगे किसको कितना काम करना है। ठीक है, और जिसको भी मतलब वही मैंने देखा था अनु कुमारी का एक इनसाइट्स में, वो जो रिपोर्ट है वो पूरा नोट करके रखती है, बस हमको क्या एडिट करना है बस। हाँ
वो आप देख लीजिएगा, अनु कुमारी इनसाइट आईएस डाउनलोड कर दीजिएगा। वो पेज जो है ओपन होगा तो उसके पूरे एंड में चार जीएस के पेपर आएंगे, फिर दो रिपोर्ट के आएंगे, तो वही वाला दो रिपोर्ट के शायद एक्सेल फाइल में होगा, वो देख लीजिएगा। तो अगर एक्सेल फाइल है तो बहुत ही इजी जाएगा, जैसा का वैसा टेबल उठा के डाल सकते हैं। वही बता रहे हैं तो वन नोट में है ना, वन नोट में वो टेबल वैसे तो उठ के जाएगा नहीं, अपने को डालना ही पड़ेगा वो भी कॉपी करके। तो मतलब ऐसा करो, जिसके पास भी हो वो डाल दो, नहीं तो मैं शाम तक अपना वाला रिपोर्ट डाल दूंगा, तो उसके हिसाब से अपन डिवाइड कर लेंगे कि कौन क्या क्या करेगा। ठीक है, तो पहले इंटरनेशनल का बना लेंगे और फिर इंडियन इंडेक्सेस है ना, अलग अलग कंपोजिट वाटर इंडेक्स और वो लिविंग इंडेक्स वगैरह वगैरह, तो वो सब अपन कर लेंगे। ठीक है, तो वो डिवाइड करके कल अपन डिसाइड कर लेंगे कौन क्या ले रहा है उसके अंदर। तो अपना पहले से ही थोड़ा या को प्रिपेयर कर लेना, क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, क्या सेल को वन नोट से कन्वर्ट नहीं कर सकते? नहीं यार, वो शायद नहीं होती है, देखते हैं। ऑलराइट देन, आई थिंक आज का यही माइंड अप करते हैं अपन। ठीक है, बाय। ओके, बाय, थैंक यू।